हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको मैंने पिछले वीडियोज में बताया, आप पिछले वीडियोज को जाके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको इसमें कराएंगे क्या, हम आपको इसमें कराएंगे जीके के और जीएस के और स्टैटिक जीके के कुल 25 क्वेश्चन। और इसके लिए आपको करना बस एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि आपको हमेशा पता चलता रहे कि कौन सा वीडियो आ रहा है। साथ ही आप हमारे Facebook पेज को ही फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको लेटेस्ट एग्जाम के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और अगर आपको पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप अपना करियर PDF पे क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ढेर सारी PDF फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा पेपर है आज। हमारा इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो कि 23/8/2021 को हुआ था, 3 बजे से लेके 4 बजे तक का। तो चलिए देखते हैं, आप पेन कॉपी उठा लीजिए और हमारे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, और लास्ट में कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपके इतने में से कितने क्वेश्चन एकदम राइट हुए 25 क्वेश्चन में से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी यानी कि उड़ नहीं पाता है, मुर्गी, मोर, कीवी या क्रेन। तो हम सबको पता है कीवी पक्षी बिल्कुल भी उड़ता नहीं है। यकृत प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, और पित्तवर्णक जमा होने के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। निम्नलिखित में से किस पाचन विकार का वर्णन यहाँ किया गया, किसके कारण होता है, कब्ज के कारण होता है, उल्टी के कारण होता है, पीलिया के कारण होता है, दस्त के कारण। तो जैसा कि उसमें दिया हुआ है कि आंखें पीली, इसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं क्या होता है, पीलिया नामक रोग हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर किसी पदार्थ में आग लगती है उसे इसका क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है, सामान्य तापमान या प्रज्वलन तापमान, क्या कहा जाता है। तो आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसको प्रज्वलन तापमान कहेंगे उसका, यानी प्रज्वलित यानी कि जल उठा है। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, 52वें, 42वें, 43वें या 53वें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये कब आया था, 1985 में आया था। और ये किस वजह से है, ये दल बदल कानून है, जो कि दल बदलू नेता होते हैं उनको दल बदल करने से रोकने के लिए कानून बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1579 में महजरनामा जारी किया था, शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने या जहांगीर ने। तो किसने जारी किया था, अकबर ने महजरनामा जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा झरना मध्य प्रदेश में स्थित है, शिव समुद्रम, धुआंधार, दूध सागर या खंडाधार। तो हम सबको पता है धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, किस पे है, नर्मदा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2021 के ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए विजयी रन बनाए, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, ऋषभ पंत या मोहम्मद सिराज ने। किसने बनाया है, तो ऋषभ पंत ने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। खनुआ की लड़ाई बाबर और के बीच लड़ी गई थी, एक्चुअल में खानवा भी लिखा मिलेगा आपको बुक में और खनुआ भी मिलेगा। तो खानवा की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी, राणा सांगा, टोडलमर, शेर शाह सूरी या हेमो के बीच। तो किसके बीच लड़ी गई थी, हम सबको पता है कि राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। पोटेशियम परमैंगनेट के अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं, 1, 4, 3 या 2। तो कितने होते हैं, 4 परमाणु मौजूद हो, क्योंकि परमैंगनेट में ठीक है O4 हो जाता है। ठीक है, के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, होजागिरी, गिद्दा, रऊफ या दलखाई। कौन सा लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो दलखाई जो है सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन गुजरात में स्थित है, अलाई दरवाजा, रानी की वाव, हुमायूं का मकबरा या बीबी का मकबरा। तो कौन सा गुजरात में है, तो हम सबको पता है कि रानी की वाव जो है गुजरात में स्थित है। भारत की पहली सीप्लेन सेवा जिसे नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, केवड़िया और किसके बीच संचालित होती है, सूरत और वडोदरा, राजकोट या अहमदाबाद। किसके बीच संचालित होती है, तो हम सबको मालूम है कि अहमदाबाद में ठीक है, केवड़िया और अहमदाबाद से इसका संचालन शुरू किया गया था। आप प्रशांत डोरा नाम को किस खेल के साथ जोड़ते हैं, जिनका फरवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो कौन सा खेल खेलते थे प्रशांत डोरा जी, कुश्ती, फुटबॉल, वॉलीबॉल या साइकिल चलाना। तो फुटबॉल से संबंधित हैं प्रशांत डोरा जी। नवंबर 2020 में QSRAM नाम की सुर्खियों में रहा, QSRAM क्या है, QRSAM बोलते हैं इसको ठीक है, एंटी टैंक हथियार प्रणाली, स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए टारपीडोज,
या कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली या अंतर महाद्वीपी बैलिस्टिक मिसाइल। तो QRSAM क्या था हमारा, आप ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा, QRSAM ठीक है, क्या था हमारा, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली हमारी मिसाइल प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, ऑस्ट्रेलिया, भारत, उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो कौन सा नहीं था गोंडवाना लैंड का, तो उत्तर अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। किसका हिस्सा था वो, तो उत्तर अमेरिका अंगारा लैंड का हिस्सा था, ना कि गोंडवाना लैंड का। भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ, ठीक है, 20 जून 1858 को ग्वालियर में, 15 अगस्त 1860 को झांसी में, 18 सितंबर 1859 को दिल्ली में या 13 मई 1858 को कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ, किसके द्वारा, हमारी झांसी की रानी, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्टिव थी ग्वालियर क्षेत्र में, ठीक है, और यहीं पे अंत में इसको समाप्त किया गया था 1857 के विद्रोह को। नैतिक धर्म यानी कि एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है, बिपिन चंद्र जी, स्वामी विवेकानंद जी, विनोबा भावे जी या महात्मा गांधी जी। तो एथिकल रिलीजन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, महात्मा गांधी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबर सीट की तरह व्यवहार करता है, जीभ, नथुना, आँखों का लेंस या कान का पर्दा। क्या करता है, कान का पर्दा जो है, ठीक है, वो रबर सीट की तरह व्यवहार करता है, आप इधर उधर उसको दबा लीजिए, कर लीजिए, फिर से अपने वापस पुराने स्थिति में वापस आ जाता है। रुपए का प्रतीक जिसे 2010 में भारत में पेश किया गया था, स्टैम्प के बिना देवनागरी, रा और आर का समामेलन है, ब्राह्मी, रोमन, ओल चिकी या सिरलिक। किस चीज का है, ये रोमन का सम्मेलन है, ठीक है। जेल पर्यटन की पहल अपनी तरह का पहला राज्य में जनवरी 2021 में शुरू किया गया था, किसने, राज्य ने शुरू किया था जेल पर्यटन, महाराष्ट्र ने, छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश ने या आंध्र प्रदेश ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत की थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी शासक थे, कहाँ के थे, मौर्यों के, पूरी गंगा के, सातवाहन के या पार्थियन शासक थे। तो हम सबको पता है सबसे प्रतापी शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन शासन में। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है, जोहाद, हरियाली, कुंड या टका। तो हमें पता है कि हरियाली का मतलब क्या होता है, हरियाली का मतलब ग्रीनरी होता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है जल भंडारण से। बाकी जोहाद, कुंड और टंका जल भंडारण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम नियुक्त करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। किस कौन करता है, तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है, ठीक है। वे दो चर क्या है जिनका संबंध पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्क द्वारा दिया गया है, असमानता और कर राजस्व, असमानता और प्रति व्यक्ति आय, पर्यावरण क्षरण और कर राजस्व, पर्यावरण क्षरण और प्रति व्यक्ति आय। तो क्या है, पर्यावरण क्षरण और प्रति व्यक्ति आय से इसका संबंध है। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी से भारत कोकिला उपाधि अर्जित की थी, एनी बेसेंट ने, सुचेता कृपलानी ने, सरोजनी नायडू जी ने या तोरू दत्त ने। तो सरोजनी नायडू जी ने, और सरोजनी नायडू जी से तीसरा या चौथा प्रश्न है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर करना जरूरी है पेपर, ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आपके इस 25 क्वेश्चन में से सही हुए हैं। और आपको करना बस एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहें। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको एग्जाम के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और अगर आपको पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, जहां पे आपको ढेर सारे वीडियोस और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।